हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है अफसाना खान ब्लॉग्स में। चलिए देखते हैं, आज हम रमज़ान स्पेशल 3 टाइप चटनी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब रेसिपी हम मैं हर साल बनाती थी जब भी रमज़ान स्टार्ट होता था, पर इस साल मैंने चैनल खोली हूँ तो इसलिए चैनल पे अपने डालते जा रही। तो सबसे पहले हम करेंगे, इमली को भिगो देंगे गर्म पानी पर। ये देखिए, मैंने इमली यहाँ पर ले ली हूँ। अच्छे से इसको साफ़ करेंगे, देखेंगे इसमें मिट्टी वगैरह है कि नहीं है। मैं फ्रिज में रख दी थी तो थोड़ा सा ये मतलब जम गया था, तो इसमें मैं गर्म पानी डाल दूँगी और इसको 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे तक अच्छे से जितना भी रहेगा इसके अंदर भिगो के इसको छोड़ देंगे, ताकि 1 घंटे तक अच्छे से वो हो जाए। अभी 1 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे तो ये अच्छे से फूली हुई रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से फूली हुई है, कितने अच्छे से मतलब हो गया। अब इसको हाथों से ऐसा 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 कर करके हलवाई लोग कैसे एकदम मतलब मस्त में, हलवाई लोग के हाथ में टेस्ट कहाँ से आता है, यहाँ से आता। वो लोग ऐसा हाथों से मीचते अच्छे से। हम लोग मीचते, आप लोग पता नहीं क्या बोलते, मैं तो मीचना ही बोलती। इसको अच्छे से छलनी में उसको छान लेंगे और एकदम मस्त में मतलब एकदम पूरा उसका रस निकाल लेंगे, जितना भी है पल्प है सब बाहर निकाल लेंगे, घिस घिस के हथेलियों से ऐसे कर करके सारे सब पल्प निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसको ये जितने भी देखो मैं कितने अच्छे से सब निकाल दिया यहाँ पे, सब कितना मतलब सब जितने भी उसके रस थे सारे सब कुछ निकल गए एकदम अच्छे से। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का हल्का पानी भी डाल दें। यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पल्प अच्छे तरीके से निकाल दी हूँ, मतलब ये देखिए कितना सब। अभी आप ऐसे रख भी सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ सांभर वगैरह ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपको जो मसाला जो मसाले हैं, यहाँ पे जीरा, सौंफ, काली मिर्च, इसको हल्का रोस्ट कर लेंगे, फिर इसको दरदरा कूट लेंगे। कूटने के बाद में कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच ही जीरा डालेंगे और 1 चुटकी हींग डालेंगे। और यहाँ पे अभी इसमें डालेंगे गुड़ 200 ग्राम। ये 200 ग्राम गुड़ है, ये पाव किलो मतलब जो इमली है पाव किलो उसके हिसाब का मेजरमेंट है। तो 200 ग्राम यहाँ पे डालेंगे गुड़, और गुड़ डालने के बाद में इसके अंदर 100 ग्राम शक्कर डालेंगे। बहुत से लोग गुड़ में ही बनाते, बहुत से लोग शक्कर में ही बनाते, तो मैं दोनों डाली हूँ, गुड़ और शक्कर दोनों डाली हूँ। मैं ये हर साल रमज़ान में बना के यहाँ पे रखती थी। अब यहाँ पे मैंने देखो 100 ग्राम शक्कर डाल दी। अब इसको अच्छे से थोड़ा कुक होने दूंगी, अच्छे तरीके से ये जब भी कुक हो जाएगा फिर इसके अंदर इमली का पल्प डालूँगी और इसको मतलब थोड़ा अच्छे से कुक होने देना, ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं। ज़्यादा पका देंगे ना तो ये कड़वापन आ जाएगा इसके अंदर, तो इमली को ना ज़्यादा देर कभी पकाने का भी नहीं। अगर अभी मैं पहले इमली पकाई होती तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता। अभी ये पकते पकते सा झाग आएगा, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे अभी जो झाग आ रहा है तो ये झाग को हट जाना, बार बार वीडियो स्टॉप करना पड़ता है, यहाँ से बहुत एरोप्लेन जाती है। अब यहाँ पे जब कुकिंग हो रहा है, अभी देखो कैसा पूरा झाग हट गया, अभी दिखने रहा। अब वो हमारा मैजिकल मसाला जो हमने रोस्ट करके किया है वो डाल देंगे इसके अंदर, और एकदम मतलब टेस्टी लगा। आप इसको हर चीज़ में की कोई भी चाट में भी डालेंगे, किस चीज़ में भी। मैं तो बना के रमज़ान में रख लेती हूँ तो मेरे को आराम से एक महीना आराम से, मैं कुछ दोबारा बनाना नहीं पड़ता। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना नहीं रही हूँ, मेरे मतलब परिवार में ज़्यादा कोई है नहीं। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली हूँ, फिर यहाँ मैं डालूँगी काला नमक और जो अपना रेगुलर नमक रहता है वो नमक डालूँगी यहाँ पर मैं, और इसमें गरम मसाला डालूंगी, ये रेगुलर नमक है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी आप पाउडर आपन डाले वो सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए एकदम अच्छे से मेरा कितना गाढ़ा मतलब बना, मेरे को इतना ही मतलब उसका वो टेक्चर इतना ही चाहिए था, ये परफेक्ट टेक्चर है। अब ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होगा, तो यहाँ पर गैस बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे मगज, इंग्लिश में क्या तो बोलते हैं उसको, बनाने में यहाँ पे लिख के लगा दूंगी। और यहाँ पे ये मगज़ है, ये मतलब आपकी मर्जी, ये डाल सकते हो या नहीं मतलब जो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर पसंद है तो डालिए कि नहीं। मैं डालती हूँ, मैं हर साल बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ। अब यहाँ पे डब्बे में ठंडा करके अच्छे से इसमें
रख सकते हैं, आप 6 महीना भी ये चल सकता है, 6 महीने तक तो आराम से फ्रिज में रखकर और खाओ, चाहे समोसा चाटो चाहे जो चाटो सब चाट में आप लोग इसको डालो और इंजॉय करो। और अफसाना को याद करो, यहाँ पे मैंने आप लोग देख लो कितना मतलब है, ये देखिए कैसा डाल रहे सब इमली की, एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा ही बनाया। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैंने लहसुन अदरक धनिया थोड़ा सा ही पुदीना और हरी मिर्ची ली हूँ। अभी सबको मैं धो के अच्छे से कर लूँ, अब इसके अंदर डालूँगी और क्या बोलते धनिया डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, अदरक है जो मैंने आपको बताया, ये सब डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सब आप ये सब स्टोर कर सकते हैं, एकदम मैं एकदम ट्रिक मतलब बता रही हूँ उसको अच्छे से पीस के। मैं धनिया की चटनी ज़्यादा नहीं बना रही एक्चुअली, क्योंकि धनिया तो आप बाद में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने डाले चाट मसाला, काला नमक, अपना सॉल्ट नमक जो रहता है अपना रेगुलर नमक, और अदरक और ये ज़ीरा डाल के, और इसमें बर्फ़ वाली पानी जो भी बर्फ़ जमा नहीं था तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं ये पीस रही हूँ। और अभी देखना मेरी चटनी कितनी हरी हरी रहेगी, क्योंकि ये बर्फ़ की वजह से एकदम ग्रीन रहेगी, ये ऐसी सेम टू सेम ग्रीन रहेगी। और क्या बोलते हैं इसको 15 दिन तक ऐसे आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एकदम मस्त में मेरी यहाँ पे 2 चटनी बनकर रेडी हो गई, इंजॉय कीजिए। अब आगे स्टार्ट होगी शेजवान चटनी, जो कि मैं ये भी हर साल बनाती हूँ, तीनों रेसिपी मैं हर साल बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेंगे जो मिर्ची अपनी सूखी वाली रहती है उसको, यहाँ पे गरम पानी, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची मोटी वाली आती है ना जिसको कम तीखा पसंद है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाली। फिर शेजवान चटनी का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर शक्कर और जब केचप जाता है ना तो ऑलरेडी इसके अंदर मिठास आ जाती, तो मैं वो कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं, उसे बस कलर अच्छा आता है, तो ऐसे भी ये कलर भी अच्छे ही आ जाएगा, कोई कलर जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी 1 घंटे के लिए भिगा के छोड़ देंगे, जब 1 घंटे में ये पूरा फूल जाएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब हाँ ये फूल गया। अभी देखिए यहाँ पे 1 घंटा हो गया, कैसे मतलब फूल गया। अगर आप लोग को रात में भिगाना तो भी भिगा सकते, लेकिन मैंने गर्म पानी में भिगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी, 1 घंटे में ये एकदम अच्छे तरीके से भीग चुकी थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने दरदरा इसको पीस ली हूँ, एकदम बारीक नहीं करना इसको, ऐसा जैसा मैं दिख रहा वैसा करेंगे। अभी यहाँ पर लेंगे तिल का तेल, अब यहाँ पे मैं डालूंगी तिल का तेल, यहाँ पे इतना प्लेन जाता है, इतना प्लेन जाता है कि वीडियो बार बार स्टॉप करना पड़ता है, मेरा तो सर पक जाता है वीडियो स्टॉप करते करते, इतनी प्लेन जाती है 2-2 मिनट पे। यहाँ मैंने 200 ग्राम तेल डाली हूँ मैं इसका तिल का। अब यहाँ चॉप की हुई ये मतलब 5 बड़ा बड़ा लहसुन का कट्टा था वो मैंने छिल के चॉप कर ली हूँ, इसको हल्का सा, इसको ना ब्राउन करना है कुछ नहीं करना, बस हल्का सा ये थोड़ा 2 मिनट कुक हो जाए फिर इसमें अदरक डाल देंगे। इसमें कम से कम 100 ग्राम मैं अदरक डाली हूँ, और 200 ग्राम मेरा प्याज था, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया प्याज था, मतलब मेरी जो लाल मिर्ची थी वो 200 ग्राम थी। अभी आदत नहीं है ना एकदम बोलने की, ऐसा तो थोड़ा मतलब हड़बड़ा जाती हूँ, वॉइस कवर देने एक साथ 10 मिनट तक वॉइस कवर दो तो कैसा मतलब बहुत, और बार बार यहाँ से प्लेन जा रही है तो और नहीं समझ में। यहाँ पे अच्छे से मैंने उसको मैं जो पानी वानी बचा था वो डाल दी, यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ सोया सॉस, और यहाँ पे कितना 100 ml सॉस है। अब 100 ml मतलब समझ लो 5 टेबल स्पून, जो अपने चम्मच खाने वाले उससे 5 चम्मच, और ये है 3 टेबल स्पून शक्कर। अब इसके अंदर ये डाल दिए, अब इधर डालेंगे विनीगर जो मैंने ये टेबलस्पून से 15 ml का 2-3 मतलब टोटल 30 ml डाली। अब इसको अच्छे से कुक होने देंगे थोड़ा देर, इसको अच्छे से पकतेंगे जब तक इसके अंदर से एकदम मस्त से ऑयल ना छूट जाए मस्त। और इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, अब 1 टेबल स्पून अब अच्छे से डाल देंगे। प्लीज़ मेरे आवाज़ का कोई मतलब ऐसा नहीं समझना, नहीं अभी मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हुई हूँ तो भी मतलब मैं ऐसा कोई मतलब इसमें वो नहीं कर रही हूँ मैं, अब मेरे को जैसा भी आ रहा वैसे मैं बोलते जा रही हूँ। देखो फिर से प्लेन आ गई, अभी देखो यहाँ पर अच्छे से कुक होते जा रहे, कुक हो रही, देखो कितना प्लेन जा रही है। अभी मैं 9 मिनट हो गया, 9 मिनट में तो 9 प्लेन चले गए ऐसा हो गया। और फिर यहाँ से क्या अच्छे से देखो कुक नहीं, तो पूरा ऑयल वॉयल साइड साइड में छोड़ दिया इसको कुक, जब तक थोड़ा कुक हो जाएगा ना तो
तो क्या टेस्टी लगता है। मतलब हर चीज़ में अपन जो भी अपना चाइनीज़ खाना या कुछ भी चिकन मोमोस ये वेज मोमोस सब मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह इस रमज़ान में रेसिपी, तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी मोमोस की रेसिपी। ये देखिए अभी बन के रेडी हो गया एकदम मस्त से, कितना टिम्टिंग लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। ये मैं यहाँ पे भर ली हूँ अपना डब्बे में, जार में, और दो जार में आया था, एक जार में वो आया नहीं था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा फोटो शूट करने के लिए यहाँ पे सजा के रखती हूँ, और यहाँ पे मेरी तीनों चटनी बनकर रेडी हो गई। तो सब आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना ताकि मेरे से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे को आगे तक लेके जाओ आप लोग, देखो कितना क्यूट लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सब बन गया। एक्चुअली जब ऐसा छोटे छोटे काम करके रख दो ना रमजान के लिए तो कितना